सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों जो राजा महाराजाओं का जो सिलसिला था पूरा का पूरा इन फार साउथ इंडिया, चोलास चेरास पांड्यास, राजास को और उनके बच्चों को और उनके कार्यकाल में कौन कौन से युद्ध हुए, कौन किन के साथ संगम बनाकर, जैसे फॉर एग्जांपल पांड्यास का जो युद्ध हो रहा है तो वो हो रहा है पांड्यास वर्सेस चोला प्लस चेरा। चोलास का युद्ध हो रहा है तो वो हो रहा है चोलास वर्सेस पांड्या प्लस चेरा, और चेरास का युद्ध हो रहा है तो इट इज़ लाइक चेरास वर्सेस चोला प्लस पांड्या। यही था ना पूरे का पूरा सिलसिला श्रेया, है ना? तो ये सब कुछ तो था एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब हम कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं, कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक जीवन को देखते हैं इन द अर्ली थ्री किंगडम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की इन द संगम एज। नंबर वन, यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, तो फिर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। पूरा का पूरा जो तमिलकम था इस पीरियड के अंदर, इट वॉज डिवाइडेड इंटू फाइव टेनाइज, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं ना इको सिस्टम या फिर इकोलॉजिकल जोन्स, ये वो होता है टेनाई। पांच इको सिस्टम्स या फिर इकोलॉजिकल जोन्स थे, पांच टेनाइस थे बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब एक था नंबर वन कुरंजी, हिली रीजन, और यहीं से उस फूल का नाम आया श्रेया, जल्दी बताओ ठकुराइन, जो 12 साल में एक बार खिलता है वेस्टर्न घाट में, जल्दी बताओ। वेरी गुड, नीला कुरंजी, और आई होप ये याद है आपको। गौतम नीला करंजी, ठीक है, नीला करंजी फ्लावर्स डैट ब्लूम वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये भी आप लोगों को याद होगा, हम तमिलनाडु में कर चुके हैं बहुत अच्छे से, एक बॉक्स था वहाँ पर, पलई एरिड जोन, सूखा वाला इलाका, ये हो गया पहाड़ी इलाका कुरुंजी, पलई एरिड जोन, मुल्लई पेस्टोरल ट्रैक्ट्स, ऐसी जगह जहाँ पर गाय भैंस भेड़ बकरियों के चरने के लिए कुछ घासेस अवेलेबल हैं। चौथा, वेटलैंड्स, एक्सट्रीमली फर्टाइल रीजन्स, मारुदम, और लास्ट नीतल, सी कोस्ट, कोस्टल एरियाज, कोस्टल रीजन्स। तो कुरुंजी हिली रीजन, पलई एरिड जोन, मुलई पेस्टोरल ट्रैक्ट्स, मारुदम वेटलैंड्स, और नीतल सी कोस्ट। अब ये जो जोन्स हैं ये ऐसा नहीं था कि देवर क्लियरली डिमार्केटेड, और ये पूरे के पूरे रीजन में स्कैटर्ड थे। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, देखो ये स्कैटर्ड थे काइंड ऑफ, ऐसा तो नहीं है कि इसमें इसके पीछे किसी का हाथ है, ये तो नॉर्मल टोपोग्राफी और उसकी वजह से हो रहा है ना। जैसे अगर आप भारत के अंदर किसी भी एक स्टेट की बात करो, किसी भी एक रीजन की बात करो, भारत की धरती ऐसी है, ज्योग्राफी टोपोग्राफी और पूरे का पूरा लैंडस्केप पैटर्न ऐसा है कि ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में अगर आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाओ तो ये सारे चीज़ें तो आपको मिल सकती हैं वहाँ पर, क्यों नहीं मिल सकती हैं? महाराष्ट्र के अंदर एरिड जोन नहीं है क्या? बिल्कुल है। अगर नहीं होता श्रेया तो फिर कॉटन की खेती कैसे हो रही है वहाँ पर? ब्लैक सॉयल है, एरिड जोन है तो, है ना? हिली रीजन नहीं है, बिल्कुल है, वेस्टर्न घाट की शुरुआत होती है वहाँ से। पेस्टोरल ट्रैक्ट्स नहीं होंगे वहाँ पर? बिल्कुल होंगे। वेटलैंड्स हैं, हाँ हैं, और सी कोस्ट बिल्कुल, क्योंकि वो बगल में मुंबई वगैरह को अगर आप देख लो या और भी इलाकों को अगर देख लो तो वो चीज़ है। तो विद इन महाराष्ट्र ही देख लो आप, ये पांचों के पांचों रीजन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट एंड इकोलॉजिकल स्पेशलिटीज, जो लोग थे अलग अलग तिनाई में, अलग अलग इकोलॉजिकल एरियाज में, इनका खुद का मोड ऑफ सब्सिस्टेंस था, खुद का कमाने का इनका एक कमाने का कह रहा हूँ सॉरी, खुद का गुजारा करने का एक तरीका था। फॉर एग्जाम्पल कुरुंजी के अंदर, हिली रीजन के अंदर, इट वॉज हंटिंग एंड गैदरिंग, लोग यहाँ पर कैसे रहते थे, हंटिंग और गैदरिंग करके हिली रीजन में। पलई में जो कि एक सूखा इलाका था जहाँ पर लोग कुछ उगा नहीं सकते,
यहाँ पर लोग लूटपाट करके रहते थे, चोरी चकारी करना, लूट लेना किसी को, रेडिंग एंड प्लंडरिंग। मुलई में जो कि एक पेस्टोरल ट्रैक्ट है, लोग यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते थे। मारुदम के अंदर जो कि वेटलैंड है, इट वॉज फ्लो एग्रीकल्चर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकाली जा सके। और नीतल में जो कि सी कोस्ट है, पीपल टुक टू फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग। अब ये बट ऑब्वियस सी बात है ना, जैसी टोपोग्राफी, जैसा लैंडस्केप, वैसी चीज़ें हो रही है ना। आज भी ऐसे ही होता है इन इलाकों में। हम पंजाब के अंदर श्रेया ये डीप सी फिशिंग कर सकते हैं, या फिर ये जो होगा सी फूड का धंधा कैसा चलेगा पंजाब के अंदर? नहीं अच्छा चलेगा ना वो, उसके लिए क्योंकि नहीं बना है ना, वो कोस्टल इलाकों के लिए होता है, राइट। तो जो लोग थे बड़े सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज थे इस टाइम पर, लाइक एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड। चावल जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप था, क्यों? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ, चोला चेरा पांडे के किंगडम की बात हो रही है, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ। दक्षिण भारत में ऐसा क्या है? टू मैनी रिवर्स। भले ही वो क्या है, पेरिनियल है, लेकिन फिर भी पानी का फ्लो इतना पर्याप्त मात्रा के अंदर है कि चावल की खेती आराम से वहां पर हो सकती है ना। उसके बाद इट फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ पीपल्स डाइट, स्टेपल स्टेपल क्रॉप हो गया वो। आप जानते हो ना, जो लोग अपने डाइट के अंदर जो कंज्यूम करते हैं उसको स्टेपल फूड कहते हैं हम लोग। एंड इट ऑल्सो सर्व एज अ मीडियम ऑफ बार्टर एक्सचेंज फॉर इनलैंड ट्रेड, यानी कि विद इन देयर रीजनल किंगडम, मतलब विद इन इंडिया ओनली अगर व्यापार होना है। जैसे इनका व्यापार कहाँ पर चलता था, कौन से एम्पायर के साथ, आपने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में, कौन सा एम्पायर? रोमन एम्पायर। ये तो हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, इनलैंड ट्रेड हो गया विद इन इंडिया, विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वहां पर चावल को एज अ मीडियम ऑफ बार्टर एक्सचेंज की तरह भी यूज करा जाता था, यानी कि चावल देकर बदले में क्या ले लेना, कोई भी ऐसी चीज जो कि इनके पास नहीं है ना। इंडियन पेनिनसुला का जो टॉप का जो हिस्सा था और आसपास के जो रीजन्स थे, दे वर एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड दे प्रोड्यूस पैडी, रागी, शुगर केन, फ्रूट, पेपर एंड टर्मरिक। ठीक है, पैडी क्या होता है? चावल है ना। रागी, दिस इज रागी, अगर मैं आपको उसको दिखाऊं, रागी को रागी बोलते हैं, ठीक है। इट इज लाइक दिस, रागी, शुगर केन आप जानते हो, गन्ना, फ्रूट, पेपर, काली मिर्च। और टर्मरिक क्या होता है? टर्मरिक क्या होता है? हल्दी, टर्मरिक। मैंने आपको इसका एक फ़ायदा बताया था जब मैं लखमीर सिंह मंजीत तौर करवा रहा था, अगर आपको याद हो। बाहर की कंट्रीज़ में लोग क्या करते हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये स्पेशली टर्मरिक को, हल्दी को बाहर से एक्सटर्नली, मतलब जैसे हमारे तो खाने में डेली ये यूज़ होती है, वो इसका एक्सटर्नल कंजम्पशन अलग से करते हैं। जैसे इसकी टी बना लेना। अब इसकी टी का मतलब ये नहीं कि गरम गरम चाय होती है, मतलब काइंड ऑफ इसके अलग अलग फ्लेवर के साथ साथ उसमें अगर हल्दी भी है तो वो एक कोल्ड टी बना लेना, एक आइस टी बना लेना, या फिर अलग से ये लोग टर्मरिक का एक, जैसे ये जो अदरक जैसा, जैसे ये जो कच्चा टर्मरिक होता है ना, इसको खा लेना। तो ये लोग ऐसे बहुत हल्की क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि टेम्परेट कंट्रीज़ में जो लोगों को अक्सर जो शिकायत होती है वो होती है डिमेंशिया की। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, या फिर अगर छोटी उम्र भी है, तो मेमोरी लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर लोगों का। और क्या कहते हैं, ब्रेन से रिलेटेड बड़ी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं लोगों को। भारत के अंदर
ज़्यादातर लोग एक केस स्टडी कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी उसकी, और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हुई थी कि भारत के अंदर लोग ज़्यादातर मानसिक रोगी इसलिए नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि डेली डाइट में उनके ये हेल्दी होती है और वो इसलिए ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हैं। वो सर्दी में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी ऐसे रह लेते हैं। उनकी बॉडी इतनी टॉलरेटिंग कैपेसिटी की इतनी ज़्यादा हो जाती है, और जो दिमाग है उसको क्या कहते हैं, कोई किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारियां या फिर मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा तो नहीं होता बिकॉज ऑफ डेली कंजम्पशन ऑफ टर्मरिक, जिसका फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इम्यूनिटी बूस्टर की तरह होता है। अब जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, तमिल रीजन में कोई पेरिनियल रिवर्स तो है नहीं, सदाबहार नदियाँ। अब ये जो पेरिनियल रिवर्स होती हैं कहाँ पर होती है, कौन सी नदियों को हम लोग कहते हैं पेरिनियल रिवर्स? हिमालयन रिवर्स को, ये होती है पेरिनियल रिवर्स। तो जो यहाँ पर जो चीफ्स थे, जब भी संभव उनके लिए हो पाता था, दे इनकरेज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बाय मेकिंग टैंक्स एंड डैम्स। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का प्रबंध करा जा रहा है। जो चोला राजा था करिकाल संगम से, इसने क्या करवाया था, इसने डैम कंस्ट्रक्ट करवाई थी कावेरी नदी के ऊपर, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट डैम इन द कंट्री। अगर हम लोग बात करें क्राफ्ट प्रोडक्शन की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वॉज स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ टेक्सटाइल्स। कपड़ों की बुनाई होती थी, कपड़ों को बनाया जाता था धागों को पिरो कर, कॉटन एज वेल एज सिल्क, ठीक है, कॉटन के कपड़े भी और सिल्क कपड़े भी। सॉल्ट मैन्युफैक्चर वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ नीतल, बिकॉज ऑफ नीतल यानी कि सी कोस्ट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर संगम इकोनॉमी का क्या था, फ्लरिशिंग ट्रेड विद द रोमन वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोमन एम्पायर के साथ हमें प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, इनका व्यापार होता था। द बेस्ट अकाउंट ऑफ इंडो रोमन ट्रेड इज गिवन इन द बुक कॉल्ड एज पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये मैंने आपको तमिलनाडु बुक के अंदर भी दिखाया था, इसका नाम ये बुक है, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, विच वॉज रिटन इन द फर्स्ट सेंचुरी सी बाय एन एनोनिमस ऑथर। कौन किसने लिखा है हम नहीं जानते। एक और रोमन राइटर ने, प्लीनी, ही कंप्लेन्स इन हिज अकाउंट नेचुरल हिस्ट्री डैट रोम वॉज ड्रेन्ड ऑफ गोल्ड ऑन अकाउंट ऑफ हर ट्रेड विद इंडिया। मतलब भारत के साथ उसका इतना व्यापार हुआ, और भारत उस टाइम पर इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भारत की तरफ झुकाव था क्रेडिट साइड का, इतना ज़्यादा व्यापार भारत के फेवर में था कि रोमन एम्पायर से बड़ा सारा जो सोना था, ऑब्वियसली बात है, चीज़ों को खरीदने के लिए जो गोल्ड था जो रोमन एम्पायर वाले देते होंगे, वो भारत की तरफ पूरा का पूरा चला गया। मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट टू द रोमन्स वर द इंडियन प्रोडक्ट्स सच एज स्पाइसेस, मसाले, जैसे पेपर जिसको यवन प्रिया बोला जाता था, परफ्यूम, ज्वेलरी, आइवरी, हाथी दांत के प्रोडक्ट्स, फाइन मुस्लिन, फाइन टेक्सटाइल्स लाइक मुस्लिन, सेवरल प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड, कारिनाइन। कारिनाइन कैसा होता है, कैसा होता है, रेड स्टोन। कार्निलाइन, ओके, और उसके बाद टर्कोइस। टर्कोइस फिर है आपका एजेट, एजेड, उसके बाद सेफायर,
सेफायर एंड सो ऑन। इसके अलावा कुछ पर्ल्स, एक मोती, इंडिगो, इंडिगो क्रॉप की यहाँ पर बात हो रही है, सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, आयरन एंड स्टील कटलरी, मतलब इससे बने सामान। तो अगेंस्ट दिस इम्पोर्ट रोमन्स एक्सपोर्टेड, मतलब ये सब कुछ भारत से मंगवाते थे वो, ठीक है, भारत से मंगवाते थे। तो अगेंस्ट दिस इम्पोर्ट रोमन्स एक्सपोर्टेड गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। अब इतना सारा, मुझे ये बताओ, इतने सारे तरीके के जो पत्थर हैं, ये चोला चेरा पांड्यास कैसे एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं रोमन्स को? हम नहीं, अरे वो माध्यम नहीं पूछ रहा हूँ, मीडियम नहीं पूछ रहा हूँ, ये क्यों हो पा रहा है, ये इनके पास कहाँ से आए इतने सारे पत्थर? पर कैसे आए? देखो, जब भी आप सी कोस्ट के बगल में रहते हो, समुद्र के आसपास इस तरीके के पत्थर वैसे भी होते हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की प्रोसेसिंग कर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि समुद्र के पास ऐसे पत्थर या जो पर्ल्स हैं, ये उसके लिए भर भर के करोड़ों अरबों की तादाद में देना कोई बड़ी बात नहीं होती समुद्र के लिए। और इंसान अब जो ज़माना है उसमें ज़्यादा पूरे का पूरे इन रिसोर्सेज को ड्रेन कर गया है, पहले इनकी भरमार बहुत ज़्यादा थी। याद है एक टाइम पे मैंने आपको मनी इन बैंकिंग में, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, जो कौड़िया होती है, काउरीज, देवर ऑल्सो सर्कुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी इन इंडिया, है ना, याद है? जिस चीज़ की भी सर्कुलेशन लिमिटेड होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज़ प्रीशर्ब हो जाती है। फिर जैसे ही कौड़ियों का सिलसिला बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, तो उसको हटाना पड़ा हमें, फिर एक मनी के फॉर्म में, जैसे एजटेक सिविलाइजेशन जो था, मैंने आपको बताया था अगेन मनी इन बैंकिंग में, कि कॉफ़ी बीन्स वहाँ पर यूज़ होती थी सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना? तो इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द रिकवरी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन्स इन साउथ इंडिया। अदर इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द रोमन एम्पायर, इट इंक्लूडेड वाइन, विच इज इंडिकेटेड बाय वाइन एम्फोरे एंड शार्ट्स ऑफ रोमन वेयर्स फाउंड इन सिग्निफिकेंट नंबर्स एट अरिका मेडो इन साउथ इंडिया। ये वाइन एम्फोरे क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, बॉटल्स काइंड ऑफ, या फिर स्टैंड होल्डर कह लो, ये वाइन एम्फोरे, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ प्रॉपर तरीके से अगर इसको समझ रहे, तो ये हाउसफुल 3 का एक गाना है। इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे हम लोग पानी भर के रखते हैं ना अपने घरों में, तो उसके लिए टंकियाँ होती हैं हमारे पास, है ना? तो ऐसे ही जब बहुत बड़ी कोई पार्टी हो जैसे, या फिर उसके उस पार्टी के अंदर दारू के बहुत ज़्यादा दीवाने हो, तो प्रॉपर उसी प्रकार से एक टंकियाँ होती है, स्पेशल टंकियाँ जिसको एम्फोरे कहा जाता है, उसमें दारू भरकर रखी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिखाता हूँ अभी। ये देख रहे हो, इसमें से ये पूरी की पूरी दारू भर रखी है, ये जो आपको ये जो काइंड ऑफ ये जो टैंक्स दिख रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है ये M4A। और ऐसे ये जो वाइन M4A है, ये इसी के कंटेक्स्ट में ये वाली चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है, ये ओके। अब यहाँ पर आप चाहे गूगल इमेजेस पे देख लो, ये लाइक दिस, उसके बाद शार्ट्स ऑफ रोमन वेयर, शार्ट्स मतलब होते हैं टुकड़े, मतलब जैसे कुछ भी रोमन आर्टिफैक्ट्स वगैरह यहाँ पर आते थे, अरिका मेडू में हमें दक्षिण भारत में मिल रखे हैं। तो बिसाइड दिस वेस्टर्न ट्रेडर्स ऑल्सो ब्रॉट टिन, लेड, कोरल एंड स्लेव गर्ल्स टू द सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर वेस्टर्न ट्रेडर्स इसको बोला जा रहा है रोमन ट्रेडर्स को, ठीक है। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मॉनसून्स बाय हिपाटस, अ ग्रीक नेविगेटर, इन 45 CE। डिस्कवरी ऑफ मॉनसून्स का मतलब क्या है? पहला
पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो पता लग जाएगा ना कि कब हवाओं का रुख ज़्यादा अच्छे से होगा और हमारी बोट्स वगैरह बिना मेहनत मुशक्कत के ज़्यादा अच्छे से इंडिया की तरफ जा सकती है। समुद्र के अंदर अपने नाव को, अपनी जहाज़ों को खींचने का एक सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? हवाएं, है ना? अगर हवा नहीं है तो आप आगे चले जाओगे फिर सामान लेकर इतना सारा? हॉर्स लैटिट्यूड के साथ यही तो होता था, याद है? घोड़े जब व्यापार करने के लिए शिप वगैरह जाते थे तो वो उठा उठा कर फेंक दिए जाते थे वजन कम करने को, हवा नहीं चलती थी इसी वजह से। तो मॉनसून पैटर्न की डिस्कवरी के बाद बाय हिपाटस, ये जो एक ग्रीक नेविगेटर था, 45 CE में इसने आइडेंटिफाई करा, और इसकी स्टडी के बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र के थ्रू जो जर्नीज होती थी ये यूज़ होने लगी फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। डिस्कवरी ऑफ मॉनसून्स एंड द यूज़ ऑफ डायरेक्ट सी रूट बिटवीन इंडियन कोस्ट एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल एज द साउथ ईस्ट एशिया, ये मेन रीज़न था फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड इन इंडिया एंड इंडियाज ट्रेड विद अदर वेस्टर्न कंट्रीज। इंपॉर्टेंट पोर्ट जो भारत के थे वेस्टर्न कोस्ट पर वो थे भारू कच्छा, भरूच गुजरात के अंदर, सोपारा, कल्याण एंड मुजिरिस। जो शिप्स होते थे इन पोर्ट से, दे सेल टू द रोमन एम्पायर थ्रू रेड सी, एंड ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया वॉज कंडक्टेड थ्रू द सी ओनली। प्रोमिनेंट पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वर तमरालेप्ती, वेस्ट बंगाल, अरिकामेडु, तमिलनाडु कोस्ट पर। समुद्र से तो व्यापार होता था, इट वॉज ऑल्सो कंडक्टेड बिटवीन भारूच की बात हो रही है, ब्रोच की, एंड द पोर्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जो इकोनमी थी इन तीनों किंगडम्स की, इट फ्लरिश ड्यू टू लार्ज स्केल लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, जिसकी वजह से बड़े सारे जो टाउन्स थे और क्राफ्ट सेंटर्स जो थे तमिल रीजन में वो इमर्ज हुए। चेरास की जो कैपिटल थी वंजी, ये इमर्ज हुई एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट। इसके बाद ये जो पोर्ट था मुजेरिस या मुछिरी ऑन द साउथ वेस्टर्न कोर्ट, साउथ वेस्टर्न कोस्ट, इट वॉज द फोरमोस्ट पोर्ट ऑफ द चेरास। और ऐसा माना जाता है कि जो रोमन एम्पायर थे, जो जहाज़ आते थे सोने से लदे हुए, दे यूज टू लैंड हेयर एंड दे टुक बैक लार्ज अमाउंट्स ऑफ पेपर, कारीमेट, जिसको ये लोग क्या बोलते थे, यवन प्रिय। कहाँ गया ये वर्ड, ये देखो एनसीईआरटी में सब कुछ एंगल हमने कर रखे हैं, वही सेम चीज़ है डिटो। एन इंटरेस्टिंग सेकेंड सेंचुरी डॉक्यूमेंट, वियना पेपिरस, इट रिकॉर्ड्स एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन द टू मर्चेंट्स बेस्ड इन एलेक्जेंड्रिया एंड मुचिरी। ये क्या हो गया, ये तो हो गया पोर्ट ऑफ मुजेरिस, चेरास का सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पोर्ट, और एलेक्जेंड्रिया यानी कि रोमन एम्पायर। मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ फाइन टेक्सटाइल एंड आइवरी वर्किंग। कोरकई तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट पांड्या पोर्ट विच वॉज फेमस फॉर इट्स पर्ल्स। उरयूर तमिलनाडु के अंदर जो आज जगह है तिरुचुपल्ली, जो कैपिटल, जो ये जो कैपिटल था चोलास का, इट वॉज अ ग्रैंड सिटी विथ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स। कावेरी पट्टनम या पूहर, इट वॉज अ मेन चोला पोर्ट। तो इसने आपको सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के, तीनों के, चोला चेरा पांडे के बता दिए। जो संगाई पोएम्स हैं दे रेफर टू द बिजी मार्केट्स गार्डेड बाय सोल्जर्स हु इन ऑर्डर टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ मर्चेंट्स एंड प्रिवेंट स्मगलिंग दे यूज टू मेंटेन कॉन्स्टेंट विजिलेंस ऑन द ट्रेड रूट्स। ट्रांजिट ड्यूटीज भी काइंड ऑफ एक तरीके से जो गुड्स को लेकर, मतलब गुड्स कौन कौन से जा रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, जैसे याद है ये ट्रांजिट ड्यूटीज जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के व्यापार को यूटिलाइज करने स्टार्ट करा था, उसके ऊपर कब्जा करने स्टार्ट करा था, तो याद है कि वो पासिस, ट्रेडिंग पासिस 10 तक जो यूज़ करते थे, है ना? फिर उसका मिस यूज़ भी करने लगे थे वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, ताकि पैसे वगैरह ना देने पड़े बंगाल के नवाबों को। ये वैसे ही था कुछ। तो ट्रांजिट ड्यूटीज वर कलेक्टेड फ्रॉम द मर्चेंट्स जो कि अपने सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, स्पेशली फ्रॉम द शिप्स। ट्रिब्यूट फ्रॉम द सबॉर्डिनेट चीफ्स एलॉन्ग विद प्लंडर एंड स्पॉइल्स ऑफ द वॉर दे वर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब आप कहोगे प्लंडरिंग कैसे होती थी? बिल्कुल होती थी, और ये जरूरी नहीं चोर उचक्के करें, अगर चोर उचक्के कर भी रहे हैं
तब भी जो लोकल चीफ्स हैं उनको लाकर ये अपना सामान दे देंगे। और ये कहाँ पर होता था? एरिड रीजन्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पलई में। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ था, हमने पलई का फीचर डिस्कस करा था। इन पलई जहाँ पर लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, वेयर पीपल कुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, दे टुक टू रेडिंग एंड प्लंडरिंग। समझ में आया? ये हमने डिस्कस करा डिटेल में चोला चेरा पांडे के कंटेक्स्ट में, इकोनॉमी कैसी थी संगम एज में। ठीक है, तो इस डिस्कशन में 200 फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।